एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम डोपिंग करते हैं और इम जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको इम्प्योर बनाते हैं। हम दो किस्म से करते हैं, दो टाइप के सेमीकंडक्टर जो इम्प्योर है, पहला पी एन टाइप है और दूसरा पी टाइप है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, व्हेन अ प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ सिलिकॉन, सारे सिलिकॉन 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 के एटम्स हैं, इसको डोप कर दिया जाता है, इसको डाल दिया जाता है किसी और एक्सटर्नल एटम के साथ, एक सिलिकॉन का एटम रिप्लेस किया जाएगा और वो एक्सटर्नल जो एटम होगा इस कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ पेंटावेलेंट एटम होगा। पेंटावेलेंट एटम का मतलब जिसके पास पांच इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिलिकॉन के पास चार इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास पांच इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो पांच इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि पेंटावेलेंट का मतलब या तो आर्सेनिक का होगा या फिर फॉस्फरस का होगा या एंटीमनी का होगा या बिस्मथ का होगा, किसी के साथ भी डोपिंग कर दो। इसमें क्या होगा, इसके अंदर जब आप इसको डोपिंग करते हैं तो ये देखो फिगर में सारे सिलिकॉन सिलिकॉन के हैं, एक आपने डोपिंग करके आर्सेनिक का लगा दिया, आर्सेनिक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांच हैं, एक फालतू हो गया, चार के साथ इसने क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया और एक इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव इन अ स्ट्रक्चर। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव इन अ स्ट्रक्चर, तो इसमें फायदा हो गया ना, क्योंकि तो ऑलरेडी नियर टू द कंडक्शन बैंड चला गया, क्योंकि नहीं तो नॉर्मली मेरे को पहले एनर्जी देनी पड़ती है इसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में लाने के लिए, फॉरवर्ड एनर्जी गैप जितनी एनर्जी देनी पड़ती है तब वो जंप करता है, लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर वो एडिटिस कंडक्शन बैंड की तरफ चला गया, तो इट इज फ्री टू मूव ऑलरेडी, इसी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में हमें फायदा होगा। क्लियर है यहां तक? तो इस टाइप की डोपिंग को, इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या नाम देते हैं, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में पहला क्वेश्चन आता है कि एन टाइप को एन टाइप क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो डोपेंट है ये डोनेट कर रहा है एक फालतू इलेक्ट्रॉन, पूरे स्ट्रक्चर में डोनेट कर रहा है, हमने डाला ही एक ऐसा एटम जो एक फालतू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, तो इसको डोनर टाइप डोपेंट भी बोलते हैं, डोनर टाइप है, डोनर टाइप सेमीकंडक्टर भी बोला जाता है क्योंकि इसमें हम डोनेट कर रहे हैं एक इलेक्ट्रॉन, तो एन टाइप को डोनर टाइप भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसका ओवरऑल चार्ज क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कि न्यूट्रल, न्यूट्रल, एन टाइप का नाम एन टाइप है पर वैसे वो न्यूट्रल है, वो क्यों न्यूट्रल है, उसका आंसर जो सिलिकॉन है इसके पास बाय नेचर चार इलेक्ट्रॉन है, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन है, अगर मान लो आप सब सिलिकॉन के हो, ये मान लो क्लासरूम सिलिकॉन का पूरा जो है प्योर सिलिकॉन के बने हुए हो आप, लेकिन मैं बीच में आ गया आर्सेनिक, आपकी जेब में चार रुपए हैं, चार चार इलेक्ट्रॉन्स है, मेरी जेब में पांच रुपए हैं, तो मेरे को भगवान ने जो पैदा की है ना वो पांच रुपए की दे के पैदा की है, तो भैया मैं, मेरे पास आपसे फालतू हैं जरूर पर बाई नेचर में ऐसा ही हूं, तो मैं तो न्यूट्रल हूं पांच के साथ, हम मेरे पांच रुपए से एक रुपया गिर गया फिर मैं, मेरे ऊपर डेफिशिएंसी हो जाती है, या आप मुझे एक रुपया देंगे एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो मेरे पास फालतू आ जाते हैं, तो आप अपनी जगह न्यूट्रल है मैं अपनी जगह न्यूट्रल हूं, तो ओवरऑल हम पूरा स्ट्रक्चर क्या माना जाएगा, एन टाइप न्यूट्रल है। न्यूट्रल तब ना होता जब मैं आपके रुपए चुरा लेता, आपका इलेक्ट्रॉन चुरा के अपनी जेब में डाल लेता, पर मैंने तो आपसे कुछ लिया ही नहीं और आपने मुझसे कुछ लिया नहीं, तो जब डोपिंग की तो ये भी न्यूट्रल वो भी न्यूट्रल, तो पूरा स्ट्रक्चर ही न्यूट्रल है, तो ऐसा लगता है कि जैसे एन टाइप का मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, ना नेगेटिव चार्ज नहीं है, ओवरऑल ये न्यूट्रल ही मानना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि बताओ फर्मी लेवल का क्या हुआ एन टाइप में, फर्मी लेवल क्या होता है, फर्मी लेवल है अगर ये मान लो सिलिकॉन का एटम है, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आखिरी वहां पर कंप्लीट हो गई, वो दो स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो जो एनर्जी लेवल है वो क्या माना जाएगा क्लासरूम का, फर्मी लेवल है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो ऑक्यूपाई करता है एनर्जी लेवल फर्मी लेवल है। अब यहां पे फर्मी लेवल चेंज हो जाते हैं, फर्मी लेवल कैसे चेंज होते हैं, जो एक इलेक्ट्रॉन आर्सेनिक का आया फालतू जो घूम रहा है वो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वो कंडक्शन बैंड में है लेकिन वो ऑलमोस्ट फ्री भी है, तो यानी कि न्यूक्लियस से काफी दूर जा चुका है, वो न्यूक्लियस से दूर जाने की वजह से उसका एनर्जी लेवल वैसी हाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जितना न्यूक्लियस से दूर जाएगा एनर्जी लेवल उतना ही हाई माना जाएगा, तो न्यूक्लियस से दूर है एनर्जी लेवल हाई है लेकिन कंडक्शन बैंड की तरफ है, मतलब हल्की सी एनर्जी मिली नहीं उसे भागना शुरू कर देना है एक इलेक्ट्रॉन ने जो फ्री है, तो जो फर्मी लेवल है जो कि हमेशा वैलेंस बैंड के अंदर ही हुआ करता था, इसके अंदर फर्मी लेवल कहां पे शिफ्ट हो गया, ऊपर शिफ्ट हो गया नियर टू दी कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो गया, राइट क्लियर है यहां तक? तो फर्मी लेवल कहां शिफ्ट हो गया, कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट हो गया, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लो इसके अंदर चार डोपेंट हमने डाले थे, चार आर्सेनिक डाले थे, तो चार इलेक्ट्रॉन तो फ्री टू मूव है, वो तो ऑलरेडी यहीं बैठ जाएंगे जाके, मतलब समझो
एक ऐसा स्टूडेंट, मतलब आप सब मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये रूम आर्सेनिक है, आर्सेनिक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट हुई, एक इलेक्ट्रॉन क्लासरूम में बिठा नहीं पाया मैं क्योंकि मेरे पास तो एक फालतू था, तो मैंने कहा जा मार्केट के पास जाके बैठ जा, तो फ्री टू मूव ही है भाई, उसको हल्की सी एनर्जी मिली मार्केट में फटाफट जंप कर जाएगा। तो बेसिकली वो कंडक्शन बैंड की तरफ ही है, तो कंडक्शन की तरफ है। तो फर्मी लेवल आपने लिखना है, फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाएगा नियर टू दी कंडक्शन बैंड। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नियर टू दी कंडक्शन बैंड, ताकि उसको कंडक्शन बैंड में जाने के लिए एनर्जी गैप बहुत कम चाहिए, कोई भी बाहर से एनर्जी मिलती है कंडक्शन बैंड में कूद पड़ेगा। तो इस फर्मी लेवल को क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी स्टेट, अंडरलाइन कर लो। तो इसमें फर्मी लेवल के इस एनर्जी स्टेट को क्या बोलते हैं, डोनर एनर्जी स्टेट, अंडरलाइन कर लो। ये इसके मेन फीचर बता रहा हूं एन टाइप के। तो पहला पॉइंट एन टाइप का क्या इसमें नोट किया जाएगा, पहला पॉइंट ये नोट किया जाएगा कि एन टाइप कैसे बनता है, एन टाइप बनता है पेंटावलेंट डोपेंट के साथ। दूसरा पॉइंट ये है कि ओवरऑल ये न्यूट्रल ही है। तीसरा पॉइंट ये है, इसमें लिखा भी हुआ है कि फोर ऑफ द फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इंप्योरिटी एटम विल फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड बाय एडजेसेंट सिलिकॉन एटम, तो कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, लेकिन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लूजली बाउंड विद द पेरेंट इंप्योरिटी एटम एंड कंपैरेटिवली फ्री टू मूव। तो पांचवा फ्री टू मूव रहता है, ठीक, इसमें एक्सप्लेन्ड है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, डोनर एटम बोलते हैं, आर्सेनिक को यहां पर डोनर एटम बोलेंगे। फिर ये बता रखे है इस टाइप के सेमीकंडक्टर को डोनर सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया जाएगा, डोनर या एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम दिया जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट है ये, इसका स्ट्रक्चर से इसका डायग्राम है जो मैंने बता दिया। एनर्जी में डोनर एनर्जी स्टेट बोलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये आपका एन टाइप है, और इसमें ये भी बता रखा है द फर्मी लेवल इन द फॉरबिडन गैप शिफ्ट वेरी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड, ये भी मैंने बता दिया। तो यहां तक क्लियर है,